हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के चैप्टर के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पिस्टल, बी स्टेमन, सी ओवरी और डी फ्लावर। तो इन चारों में से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का? तो उसे पॉज करके आप सोचिए। इसका आंसर है बी, स्टेमन। तो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेमन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट विदाउट सीड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें न्यू प्लांट प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन सीड की हेल्प के विदाउट, मतलब सीड के बिना, एग्जिस्टिंग प्लांट से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस हो रही है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं, ए पॉलिनेशन, बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डी स्पोर फॉर्मेशन। तो ये चार ऑप्शंस हैं, आप पॉज करके सोचिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है लेकिन सीड की हेल्प के बिना। तो इसका आंसर है बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है एग्जिस्टिंग प्लांट से लेकिन सीड के बिना, सीड के हेल्प के बिना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन विच कम्स आउट ऑफ ए जीस्ट इज कॉल्ड। जीस्ट में से जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन, ए फिलामेंट, बी स्पोर्स, सी बट और डी स्टेमन। तो ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? उस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं तो जीस से निकलती है, आप पॉज करके सोचिए। इसका आंसर है सी, बट। जो वो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जीस में से उसको हम क्या बोलते हैं? बट। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड्स ऑफ मैपल एंड ड्रमस्टिक आर कैरीड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय विंड बिकॉज दे हैव। जो मैपल और ड्रमस्टिक के सीड्स होते हैं वो बहुत दूर तक कैरी हो जाते हैं विंड की वजह से। अब ऐसा क्या होता है इनमें जिसकी वजह से बहुत इजीली कैरी हो जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक? तो ऑप्शंस देखते हैं, ए विंग सीड्स, बी हेरी सीड्स, सी स्पाइनी सीड्स और डी लॉन्ग एंड रिजिड फ्रूट। तो उनमें ऐसा क्या होता है उन सीड्स में जो वो लंबे लॉन्ग डिस्टेंस तक बहुत इजिली कैरी हो जाते हैं विंड से? आप पॉज करके सोचिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर है ए, विंग सीड्स। तो मैपल और ड्रम स्टिक के सीड्स कैसे होते हैं? उनके विंग्स लगे होते हैं जिसकी वजह से वो विंड से बहुत इजिली कैरी हो जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज। अब हमने क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का। अब हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का। तो उसके ऑप्शन है ए स्टेमन, बी फ्लावर, सी ओवरी और डी पिस्टल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, किसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का? आप पॉज करके सोचिए। इसका आंसर है डी, पिस्टल। जो पिस्टल होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रोज टेक्स प्लेस बाय। देखते हैं ऑप्शन, ए लीव्स, बी स्टेम, सी रूट्स और डी सीड्स। तो रोज में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो कौन कैरी करता है? आप पॉज करके सोचिए। इसका आंसर है बी, स्टेम। जो स्टेम होता है रोज का, वहां पे कैरी होती है, टेक प्लेस होती है वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं सीड से? पहले हमने देखा था विदाउट सीड, लेकिन अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं सीड की हेल्प से? तो देखते हैं ऑप्शंस, ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी पॉलिनेशन, सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डी स्पोर फॉर्मेशन। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप सोचिए पॉज करके। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं सीड से? इसका आंसर है सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पिस्टल।
कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें से ये बताना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है पिस्टल का पार्ट नहीं होता है। तो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शंस हमारे पास। ए एंथर, बी स्टिग्मा, सी ओवरी और डी स्टाइल। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पिस्टल का पार्ट नहीं होता है? आप पॉज करके सोचिए। इसका आंसर है ए एंथर। जो एंथर होता है वो पिस्टल का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द प्लांट्स विच हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर। आप कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से बताना होगा कौन से प्लांट्स हैं जिनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो देखते हैं हम ऑप्शंस। ए पपाया, बी वाटरमेलन, सी क्यूकम्बर और डी ऑल ऑफ दीज। तो इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा प्लांट है जिनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। मतलब प्लांट्स तो तीन ही हमारे पास, पपाया, वाटरमेलन और कुकम्बर। क्या ये तीनों हैं या इन तीनों में से कोई एक है? तो पॉज करके आप सोचिए। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। इन तीनों प्लांट्स के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज। अब प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? देखते हैं ऑप्शंस। ए स्टेम, बी रूट, सी फ्लावर और डी लीफ। तो इन चारों में से कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव होता है? पॉज करके आप सोचिए। इसका आंसर है सी फ्लावर। तो प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मोसिस एंड फर्न्स आर रिप्रोड्यूस बाय। देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए फ्रेगमेंटेशन, बी स्पोर फॉर्मेशन, सी बडिंग और डी फर्टिलाइजेशन। तो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे मोसिस और फर्न्स रिप्रोड्यूस होते हैं? तो आप पॉज करके सोचिए। इसका आंसर है बी स्पोर फॉर्मेशन। तो मोसिस और फर्न्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से? तो देखते हैं ऑप्शंस। ए फ्रेगमेंटेशन, बी स्पोर फॉर्मेशन, सी बडिंग और डी फर्टिलाइजेशन। तो इन चारों में से कौन सा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आप पॉज करके सोचिए। इसका आंसर है डी फर्टिलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम। अब पॉलिनेशन में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स मूव होते हैं लेकिन कहाँ से कहाँ होते हैं? देखते हैं ऑप्शंस। ए एंथर टू ओवरी, बी एंथर टू स्टिग्मा, सी एंथर टू एग और डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ मूव होते हैं? पॉज करके सोचिए। इसका आंसर है बी एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन कहां से मूव होते हैं? एंथर से जाते हैं स्टिग्मा में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स। तो कुछ प्लांट्स के नाम दिए होंगे, हमें ये बताना होगा उसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के जो मार्जिन होते हैं वहां पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शंस। ए बायरोफाइलम, बी रोज, सी कोरिएंडर या डी टच मी नॉट। तो इन चारों में से कौन सा प्लांट है जिसके लीव्स के मार्जिन पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं? अब पॉज करके आप सोचिए। इसका आंसर है ए बायरोफाइलम। तो बायरोफाइलम जो प्लांट होता है उसके जो है लीव्स के मार्जिन पे ही बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड। जिस फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? तो देखते हैं ऑप्शंस। ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बी सेक्सुअल फ्लावर, सी बाइसेक्सुअल फ्लावर और डी पॉलिनेशन। तो उस फ्लावर को क्या कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? तो पॉज करके आप सोचिए कौन सा आंसर होगा।
इसका करेक्ट आंसर है सी, बायसेक्सुअल फ्लावर। तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर वो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, बर्ड्स इन पोटैटो आर ऑल्सो कॉल्ड, जो पोटैटो में बर्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होता है? ए स्टेम, बी रूट, सी जाइगोट, या फिर डी आइज। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है, मतलब जो पोटैटो पे बर्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसका आंसर भी। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।